सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम, इस बार मास कितना दिया है 100 किलोग्राम, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दी 5 मीटर पर सेकेंड और उसको इंक्रीज करके उसकी स्पीड हमने फाइनल स्पीड कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। कितना टाइम लगा? टाइम लगा है 6 सेकेंड का, 6 सेकेंड। कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, तो आसानी से आप इनिशियल मोमेंटम निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? m इंटू यू कर दो, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? m इंटू वी कर दो, फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। उसके बाद फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है? f इक्वल टू एम ए, और a तो हमें पहले चाहिए, तो a चाहिए, तो a आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? a कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की ही फॉर्म होती है v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। a और m की वैल्यू पहले से है, तो a और m की मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाएगा। तो ये हो गया खुद से कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, देख लीजिए, u दिया है, v दिया है, m की वैल्यू दी है, t की वैल्यू दी है, इनिशियल फाइनल मोमेंटम निकालने हैं, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम 100 इंटू 5 500 हो गया, फाइनल मोमेंटम 100 इंटू 8 800 हो गया। इसके बाद v इज इक्वल टू यू प्लस 80 जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, अप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया a की वैल्यू 0.5। जब a की वैल्यू 0.5 आ गई, फोर्स निकाल सकते हैं f इक्वल टू ma से, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 100 इंटू 0.5 इज इक्वल टू आंसर आ गया 50 न्यूटन। क्लियर, सिंपल सा सॉल्यूशन है। इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे।